हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक जनरल टॉपिक शुरू कर रखा था जो क्लास फिफ्थ से लेके नाइन्थ तक सब में काम आता है। ठीक है, क्या है वो? नंबर्स। नंबर्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, फिर हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या होल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपना जाते हैं इवन नंबर सम संख्या। है छोटी चीज लेकिन बड़े प्रश्नों में बहुत काम आती थी, एक बार और हमको सबको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर क्लास में एक चैप्टर है इवन नंबर्स। वो संख्या, वो नंबर्स जो टू की टेबल में आते हैं या टू से कम्प्लीटली डिविजल बाय होते हैं, दोज नंबर विच आर कम्प्लीटली डिविजल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। सम संख्या है वह संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाता हो दो का, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्या के समक्ष सूत्र किससे लिखते हैं? कैपिटल ई से, क्योंकि इवन नंबर होता है ई से। 2, 4, 6, 8, 10, 0 ना तो इवन होता ना ऑड, ये सब क्या होती है? सम संख्या इवन नंबर। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी अनंत इनफिनिट। इसके बाद आ जाते हैं ऑड नंबर्स, विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। क्या होता है ऑड नंबर के सेट को कैसे लिखते हैं समुच्चय को? ओ से। 1, 3, 5, 7, 2 का भाग कहां जा रहा है? 2 के 2 की टेबल में थोड़ी नहीं आते ये सब। हमें बोलो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा विषम संख्या, आप बोलोगे 1। सबसे बड़ी पूछो, बिगेस्ट पूछो तो आप क्या बोलोगे? 8, 5, 9। क्लियर है? अब जैसे जैसे आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। देखो ना, वो नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स या वो दो ही नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद की टेबल में आते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 5, 6, 7, 8, वो खुद की टेबल 6 की टेबल में जाएगा 6, 1, 6, और 1 की टेबल में तो सब आता है 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 100, 100, तो 1 की टेबल में तो सब आते हैं। ठीक है, तो दो ही फैक्टर जिसके जिसके दो ही नंबर्स के टेबल में आता है वो सब क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। दो ही संख्याओं के बारे में बताता है, जैसे देखो मैं बताता हूँ, 2, 1 और 2 के में आता है, 3, 1 और 3 के में आता है, 4 नहीं 5, 1 और 5 के में आता है, 6 नहीं 7, 1 और 7 के में आता है। इसी प्रकार आगे भी और भी संख्या है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब क्या हो गए? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन बनता है, मैं पूछूं सबसे छोटी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे? 2। सबसे बड़ी अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। अच्छा, मैं बोलूं सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, तो क्या होगा? सम मतलब जो 2 की टेबल में आता है। दो ही एक ऐसी मात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी सम संख्या क्या होती है? भाज्य। ठीक है, एक 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट। ठीक है, अब मैं बोलूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड ये तो ऑड है नहीं, तो ये पहला ऑड प्राइम नंबर, पहली विषम अभाज्य संख्या। विषम जो दो के बारे में, तो दो के बारे में ये होगी 3 ऐसी अभाज्य संख्या जो विषम भी है और पहली। ठीक है, आगे बात समझे। देखिए, अब कंपोजिट क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, हमेशा 3 या 3 से ज्यादा बोलते, या 2 से ज्यादा मतलब 3, 4, 5, 6 कितने। ठीक है, मुझे बोलते हैं भाज्य संख्या का। देखो, फर्स्ट कौन सा था? 4। ये 1 के बारे में, 2 के बारे में और 4 के बारे में, फिर 5 मिल तो बात के 2 ही थे, 6, 1, 2, 3 और 6, ऐसे 8, 1, 2, 4, 8 ऐसे और भी चलते हैं। ये ऐसे बनते हैं 4, 6, 8, 9 होता है। 9 देखो है तो विषम, 1 के में आता है, 3 के में आता है, 9 के में आता है, 2 से ज्यादा हो जाना चाहिए। 9, 10, 12,
इसमें भी मैं बोलूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सम भाज्य संख्या इवन कंपोजिट 4, वही पहले ही मैं बोलूं प्रथम विषम अभाज्य संख्या, फर्स्ट ऑड कंपोजिट, ऑड अभी तो इवन है, ऑड कौन सा मिला, नो पहली अभाज्य भाज्य संख्या है जो कि ऐसी है विषम, ठीक है, कंपोजिट ऑड, फर्स्ट कंपोजिट ऑड नंबर कौन सा गलत नंबर है, क्लियर है बात। इसके बाद आ जाते हैं अपन परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या आपके समझ चुके किससे लिखते हैं, क्यूज। परिमेय संख्या क्या होती है, देखो ध्यान से, वह संख्या है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते, क्या बटे में जिसे कर सकते, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, जहां पी और क्यू क्या होगी पूर्णांक संख्या है, परंतु किंतु परंतु जहां जहां खतरनाक बात, क्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक में तो जीरो एक तो तीन चार माइनस एक तो तीन चार, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होगा क्योंकि नीचे अगर जीरो का भाग दिया तो वो नगण्य संख्या हो जाएगी जिसको अपन व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, ठीक है। दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, और वेयर पी एंड क्यू आर क्या है इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल की बात करें 2/3 -5/7 -3/-4 -4/4/-11 कुछ भी, खाली 2 भी है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं इसको, खाली -5 भी है -5/1 लिख सकते हैं, कुछ भी होता तो नीचे वाला लगा देते, जीरो भी रैशनल नंबर है परिमेय संख्या, कैसे जीरो को भी 0/1 लिख सकते, लेकिन अगर मैं बात करूँ 1/0 नहीं, 10/0 नहीं, नीचे जीरो नहीं आना, अच्छा √2/5 नहीं है, रूट नहीं आना चाहिए, 1/-5/√5 नहीं, रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो प्राइम परिमेय संख्या होती है रैशनल। अपरिमेय संख्या क्या होगी, वह संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, दोस नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा इसके एग्जांपल कौन से होंगे, देखिए इसमें रूट होता है, जिन नंबर पर रूट होगा वो 2/3 -5/√3 -2/√2/-√3 ऐसा भी हो सकता है -√5/7 रूट होता है। कुछ एक और मैं बताता हूँ इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखें उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पाई, ठीक है, और पाई हो गया, और एक जो है ई होती है एक्सपोनेंशियल पावर, इनके बारे में भी पढ़ेंगे पर आगे, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, डेसिमल नंबर्स पढ़ा होगा, ठीक है, दशमलव संख्या पॉइंट वन, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा एक अशांत आवर्ती अनावर्ती ऐशान अनावर्ती दशमलव संख्या भी क्या होती है अपरिमेय। इरेशनल नंबर्स कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो रुके भी नहीं, जैसे 7.6409074290600018 ये कौन सी है, कैसा दशमलव है, ऐशांत मतलब चलता चला जा रहा है और अनावर्ती रिपीट भी नहीं हो रहा, वो क्या होता है अपरिमेय। कौन से डेसिमल नंबर्स के इरेशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलते चले जाए डिवीजन खत्म ही नहीं हो और रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग यानी रिपीट भी ना हो, जैसे होता है 2727 वो इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रैशनल नंबर होते, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है क्यों ये हुआ, इसकी जो वैल्यू होती पाई आ जाने 22/7 होती, अब भाग दो तो आप ये बोलते ना 3.14 आया 3.14 आया, नहीं भाग देना आप आज इसको भाग देकर देखना ये चलता चले जाएगा, वो भी कैसे आएगी, अशांत अनावर्ती संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी तो वो कैसे इरेशनल, ठीक है। ये नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे अपन, आज इतना ही है, अगली वीडियो में आएगा।